फोर थिंग्स टू नो अबाउट बिफोर इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल रियल एस्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले लोकेशन, और मैं बार बार वही कहूंगा लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अगर आप लोकेशन अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो जहां आपकी रोड की एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, जहां कॉर्पोरेट है, जहां पर आबादी अच्छी है, तो डेफिनेटली वहां डिमांड जनरेट होगी और आपकी प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन डेफिनेटली अच्छी होगी। सेकंड अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं, आता है बिल्डर। बिल्डर का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने किस क्वालिटी के प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, किस लेवल की उन्होंने लीजिंग की है, किस तरीके की चीज़ें हैं, बिल्डर की क्या रेपुटेशन है। अगर आप बिल्डर का पास्ट देख लेते हो कि कितने साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कमर्शियल रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रिसिएशन, कि बिल्डर ने लास्ट कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं जिन्होंने एक एक्स अमाउंट पर बेचे थे और एक्स प्लस फाइव उनकी प्रॉपर्टीज होंगी इन्वेस्टर्स की, उनको अच्छा रिटर्न मिला है या नहीं मिला है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी बिल्डर के पास प्रोजेक्ट देखते हो, अगर उनमें उनको अप्रिसिएशन इन्वेस्टर्स को मिली है, तो डेफिनेटली बिल्डर ट्राई करता है कि जो उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें उनको अप्रिसिएशन मिले। और अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ, लीजिंग, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर बिल्डर की लीजिंग स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। अच्छी लोकेशन पे होगा डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि बिल्डर के हाथ में लीजिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर वो लीज कर देता है तो डेफिनेटली उसमें क्राउड आएगा, प्रोजेक्ट चलेगा, अप्रिसिएशन आएगी, रेंटल्स लोगों को अच्छे मिलेंगे। यही चार चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच।